हेलो एवरीवन, दिस इज़ AK22। आप सभी का स्वागत है माइंडपुर सीज़न 3 के एक और धमाकेदार एपिसोड में। और लास्ट एपिसोड में हमने चंपू के साथ प्रैंक किया था। हमने उसके घर पे बैम्बूज, उसकी पूरी बेस पे बैम्बूज लगा दिए थे। पता नहीं उसका रिएक्शन कैसा है, वो आपको उसके आने वाली वीडियो में पता चलेगा। ओके, तो मज़ा आया हमको प्रैंक करके। अब सेकेंड नंबर प्रैंक करने का मैंने सोच लिया है कि उसको प्रैंक करने वाला हूँ मैं। उसका वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाला है। ओके, तो ये मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, ये है हमारा कम्युनिटी आइलैंड कम्युनिटी शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट कह सकते हो आप, ठीक है। और ये हमारी बेस जितनी भी माइनपुर निवासी है उनके सेंटर में कह सकते हो आप, ठीक है। एक सेमी सर्कल बनता है पूरा बेसिस का और उसके बीच में आती है ये। और ये है हमारा शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर मैंने एक पोर्टल बना दिया है, वो रहा देखो पोर्टल, ठीक है। तो जिसको भी आना है वो नेदर से यहाँ पर आ सकता है, रेडी। और ये जो आइलैंड दिख रहा है यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ हमारा बी फार्म, ठीक है। और बी फार्म बनाने के लिए मैं अपने आपने लास्ट एपिसोड में देखा होगा कि मैं हनी बीज कलेक्ट करे थे, हनी नेस्ट कलेक्ट करी थी मैंने, और बी हाइव्स बनाई थी। कैसे बनाते हैं, अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। मैं अभी एक बी नेस्ट लाया हूँ और इसमें बीज हैं और दो बी हाइव्स लेकर आया हूँ, दोनों में बीज हैं, ठीक है। और थोड़े बहुत फॉल फ्लावर्स लाए हैं, पॉपीज एंड ऑल। ओके, तो क्या करने वाला हूँ मैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जितनी भी सैंड है इनको मैं कन्वर्ट करूँगा, कन्वर्ट क्या रिप्लेस करने वाला हूँ मैं डर्ट से, ठीक है। और ये हमारा बेस रहने वाला है, तो क्योंकि यहाँ पर फ्लावर्स लगेंगे तो सैंड में आप फ्लावर्स लगा नहीं सकते, इसलिए जितना भी एरिया है इसका मैं पूरा इससे कन्वर्ट करने वाला हूँ। ओके, पूरा यहाँ पर डर्ट लग जाएगा तो पूरा ये डर्ट का आइलैंड बन जाएगा, ठीक है। और फिर हम यहाँ पर प्लेस करने वाले हैं हमारा एक छोटा सा सेटअप बी फार्म का। ऑलराइडी, ओके लेट्स गो। तो मैं फटाफट से इनको रिप्लेस करता हूँ। ओके, सारे जितने भी डर्ट ब्लॉक्स हैं उनको वुप्स गाओ। ऑलराइडी, तो चलो मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ और आपसे मिलता हूँ। ओके, ऑलराइडी हमने सारा सैंड हटा दिया है, उसको रिप्लेस कर दिया है ग्रास ब्लॉक से डर्ट से, तो ग्रास ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा धीरे धीरे। और यहाँ पर भी फ्लैट कर दिया पूरा सरफेस, और जो हम ग्लास मेल्ट कर रहे थे यहाँ पर, इसमें से ग्लास लेकर मैं क्या करूँगा, क्योंकि हमारा फार्म यहाँ पर रहेगा तो बीज हमारी उसके अंदर रहने वाली है, ठीक है। अब वो बाहर निकल के ना जाए जैसे हमने सीज़न 2 में बनाया था, वैसे बनाऊँगा, पर वो रहेगा एकदम इस आइलैंड की शेप का, ठीक है। ये पूरा जो आइलैंड है उसकी शेप का रहने वाला है, तो मैं एक पूरा डोम बनाने वाला हूँ। डोम कैसा रहेगा, इस आइलैंड का कोने कोने पर मैं ग्लास ब्लॉक्स लगाऊंगा लाइक दिस, और एक पूरा हाई वॉल खड़ी हो जाएगी, ठीक है। और वो इसलिए क्योंकि थोड़ा एरिया रहना चाहिए जहाँ पर बीज जो है वो ट्रैवल घूम सके इधर उधर, और वहाँ से भाग के भी बाहर ना जाए आइलैंड से, क्योंकि जब भी हनी बीज थोड़ी दूर जाती है अगर यहाँ पर भी चली गई तो वो नियरेस्ट फ्लावर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो वो इस तरफ जा सकती है या इस तरफ जा सकती है, इसलिए मैं चाहूँगा कि वो इनक्लोज रहे एक ही जगह पर, और मैं वहाँ पर उनको ब्रीड करा सकूँ और हनी और दूसरी जितनी भी चीज़ें हैं वो हम उनसे ले सकें, ठीक है। तो ये वाला कितनी हाइट पे रहेगा वो देखना है मुझे, ये तो बहुत कम हाइट ही है, तो मैं इसकी एक फ़र्स्ट हाइट जो है वो कर देता हूँ। होपफुली मैं यहाँ से गिरूँ ना, मेरे पास बकेट भी नहीं है पानी का, ये भी बहुत छोटी है, मैं पानी का बकेट लेकर आता हूँ। एक हमारी के बकेट का एरिया हमारा, और आपको ये बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा प्रैंक। और जल्द ही मैं एक और प्रैंक करने वाला हूँ, पर वो बताऊँगा नहीं कि किसके साथ होने वाला है, वो एक सीक्रेट है। ओके, सीक्रेट। ऑलराइडी, तो मैं इसका लेवल देख लेता हूँ कि कौन से लेवल पे हम 72 इतना काफ़ी रहेगा, नहीं ये बहुत छोटा है, थोड़ा सा और हाइट कर रहा हूँ मैं इसको। This is good, पर वहाँ से थोड़ा छोटा हो जाएगा, मैं इसको 90 ले जाता हूँ, 90 सही रहेगा, ठीक है। ये हो गया 90 इतना काफ़ी है, इतना बहुत है, क्योंकि मैं हैंगिंग गार्डन भी बनाने वाला हूँ जैसा मैंने सीज़न 2 में बनाया था सेम, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। उप्स, ये हो गया
अब यहाँ से हम थोड़ी सी ग्लास लगाते लगाते चलते ना नीचे, अब जा ही रहे हैं तो हमारा काम भी हो जाएगा। ए थैंक यू। ओके तो 90 ब्लॉक हो गया है, तो 90 ब्लॉक का हमारा पूरा ये होने वाला है। तो मैं इसे हटाता हूँ और यहाँ से हम लगाना शुरू करते हैं पूरे ब्लॉक्स फटाफट से। आसपास जितने भी हैं पूरे कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। ओके तो मैं काम करता हूँ, पूरा इसको कवर अप कर लेता हूँ यहाँ से लेकर पूरा, और हम नीचे चलते हैं। ऐसे कूदी मारो, ठीक है, थोड़ी सी हाइट बढ़ जाएगी तो अच्छा लगेगा ये। मैं इसमें ये एनक्लोज रहेगा ताकि जितनी भी हनी बीज है वो बाहर भाग के ना जाए, और मैं उसमें ढेर सारे हमारे जो पॉट्स हैं वो लगा दूँ अंदर की तरफ। ओके और ये हमारा कम्युनिटी बेस भी बन रहा था। लास्ट जो मेरा फार्म था वो मेरे घर पे था माइंडपुर सीज़न 2 में, इसलिए ये यहाँ पर हो रहा है। ये मेरी जो एक और शॉप है श्राइडर की, वो शॉप यहाँ पर नहीं है, इस आइलैंड से थोड़ा दूर है, ठीक है। तो ये कम्युनिटी शॉप पे, हमारी कम्युनिटी बेस पे, मार्केट एरिया पे ये हमारी फर्स्ट शॉप है, और शायद माइंडपुर निवासियों में सबसे पहली शॉप इस एरिया पे मेरी ही है। देखना है दूसरे कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे बैनर भी पुट करना पड़ेगा मेरा। देखो मैं पहले नीचे पूरा सरफेस कर देता हूँ कि हो सकता है मुझे कम पड़े, ठीक है। ब्लॉक्स ऑफ ग्लास। ओके इसलिए मैं ढेर सारे सैंड इकट्ठी करके लाया था, और लावा बकेट यूज़ कर रहा हूँ मैं उसको स्मेल्ट करने के लिए, क्योंकि वो बेस्ट थिंग है स्मेल्टिंग के लिए। और ये वाला जो एरिया है यहाँ पर मेरा डोर होने वाला है, इसका एंट्रेंस यहीं से होगा, तो मैं उसको बाद में फिट कर दूँगा कैसे करना है। ओके ये हो गया। और हाँ, हमने क्या बनाया है आपने देखा ही होगा कल के मेरे कम्युनिटी पोस्ट में, कि हमने रेडिट पेज बनाया है माइंडपुर का। तो आप में से अगर किसी ने भी ज्वाइन नहीं करा है तो उसकी जो लिंक है वो मैंने नीचे दी है, या तो आप मेरा कम्युनिटी पोस्ट पढ़ सकते हो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डाल दी है रेडिट पोस्ट की, रेडिट की, तो उस पर जाके आप उसको फॉलो कर सकते हो। अगर आपकी बिल्ड्स हैं तो आप उस पर शेयर कर सकते हो, ठीक है, कमेंट्स कर सकते हो, चैट कर सकते हो दूसरे लोगों से। इसको यहाँ से मुझे ऐसा नहीं बनाना था, सॉरी। नाइस, अब इसको इधर लाओ। यहाँ पर हमारे बैम्बू लगने वाले हैं इसलिए मैं इसको नहीं लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट पूरा आइलैंड कवर। ओके तो यहाँ पर होगी इसके अंदर हमारी शॉप। मैं इसको पूरा स्ट्रेच कर दूँगा ऊपर की तरफ सब तरफ से ताकि अच्छे से दिखे। हाँ, और उस पर जाके मैं रेडिट की बात कर रहा था, उस पर आपके बिल्ड्स हैं, छोटे छोटे गिफ्ट्स हैं, मीम्स हैं, माइनक्राफ्ट मीम्स, जो भी आपको दिखाना है वो उस पर आप शेयर कर सकते हो। प्लीज़ कुछ भी ऐसी चीज़ मत डालना जिससे आपको बैन पड़े, ठीक है, उसका ध्यान रखना। और जो चैट है उसको सिंपल रखना, यूज़र फ्रेंडली माहौल रहे वहाँ पर, ठीक है। तो आप जाके फॉलो कर सकते हो उस पर, काफ़ी सारे मेम्बर्स ने ज्वाइन भी कर लिया है। रेडी, कल ही हमने बनाया हमारा रेडिट पेज माइनपुर का, और हम हमारी वीडियोस, हमारे नोटिफिकेशंस या हमारी बिल्ड्स के फ़ोटोज़ भी डालेंगे माइनपुर निवासी उस पर। ऑलराइडी तो चलो मैं इसको फटाफट से कंप्लीट करता हूँ और आपसे मिलता हूँ वापस, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारे ग्लास मिलने पड़ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास इसमें ज़्यादा नहीं है, अभी बहुत सारे स्मेल्ट हो रहे हैं। मैंने पूरे ये बकेट जो है भर के रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ से जो सैंड मिली थी मैंने वापस यहीं पर लगा दी है। कम ऑन। और आइलैंड का आप बोल रहे थे, क्योंकि मुझे मेरी बेस का काम मैंने धीरे धीरे शुरू कर दिया है, ठीक है, और थोड़ी सी उसका आ जाएगा शेप तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या है आखिर वो और कैसी बनने वाली है, ठीक है। तो जल्दी आपको पता चलेगा कि हमारी बेस जो है वो कैसी होगी। ऑलराइडी तो मैंने वॉल जो है इसकी पूरी खड़ी कर दी है। अब ऊपर का मैंने छोड़ के रखा है, क्योंकि ऊपर सोच रहा हूँ मैं कि येलो ब्लॉक्स लगाऊं, इसका जो येलो ग्लास लगाऊं, येलो स्टेन ग्लास, ठीक है। और इसमें मेरे को दो तीन विंडोज़ लगानी है येलो वाली। मैं सोच रहा हूँ कि
हनी बी के फेस वाली विंडो लगाऊंगा। पर उसके पहले जो हमको चीज़ करनी है वो यहाँ पर है कि हम एक फार्म बना दें छोटा सा हनी बॉटल्स कलेक्ट करने का। तो वो बहुत ही सिंपल है, और बॉटल्स का अगर आपने देखा है तो उसका डिज़ाइन बना रहा हूँ मैं, ठीक है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। मुझे थोड़े से रेडस्टोन चाहिए हैं, कंपैरेटर, रिपीटर, रिपीटर एक ही लगेगा, ठीक है। हॉपर्स पहले इसे हटाओ, और मैंने ऑरेंज और कंक्रीट, ऑरेंज और येलो कंक्रीट ब्लॉक्स लगाए हैं क्योंकि ये बी का कलर है इसलिए, ठीक है। तो मैं वैसे येलो ब्लॉक्स ही यूज़ करने वाला हूँ। ओके, तो एक हनी बॉटल चाहिए मुझे, तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। हाँ चलो, मैं कर दूँगा जब उसमें डालूँगा तब, ठीक है। उसके पहले हमें यहाँ पर पॉपीज़ लगानी है ताकि जो बीज है वो बाहर निकल के ना भागे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर बनाऊँगा तो ऊपर ना जाए और यहीं पर ही फ्लावर्स कलेक्ट कर लें। ऑलराइडी, मैं सो जाता हूँ पहले, तो ये मॉब स्पॉन होने लग जाएंगे। तो ये हो गया है, अब क्या क्या चाहिए रहता है आपको इसको बनाने के लिए, ठीक है। हॉपर्स है, मैं बी हाइव की जगह बी नेस्ट ले लूँ, क्या करूँ, बी नेस्ट लेता हूँ या फिर बी नेस्ट को हम बचा के रखें, क्या कहते हो, बी नेस्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं, तो चलो बी नेस्ट ही यूज़ करता हूँ मैं इसमें। और मुझे चाहिए है ब्लॉक्स, हेल्पिंग ब्लॉक्स ये रहे, ठीक है। देखो मैं इसकी जगह मैं ये ऑरेंज वाले लगाता हूँ, या फिर हाँ ऑरेंज वाले सामने की तरफ, पीछे मैं ऑरेंज येलो लगा दूंगा। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, यहाँ पर ये लगाते हैं इसके ऊपर, फिर बी हाइव फेसिंग दिस वे, देन यहाँ पर हाँ मेरे पास चेस्ट्स हैं, थैंक यू वेरी मच, जो कि यहाँ पे लगेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर आपको हॉपर फिट करना है, एक ऐसा, एक रुको ब्लॉक यहाँ लगेगा और एक यहाँ पर, ताकि इसको फेसिंग करके ये लगा है, इसे तोड़ दो, और यहाँ पर बीज हमारी बाहर आ गई है। अब क्या करना है, अब आपको डिस्पेंसर लेना है, डिस्पेंसर मेरे पास काफ़ी सारे पड़े हुए हैं, डिस्पेंसर को लगाना है आपको फेसिंग थिस पे, इस पे, ठीक है, हॉपर के ऊपर, जो कि फेस करना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, लग गया, यस। तो ये हो गया हमारा ये। अब यहाँ से आपको पीछे जो क्लॉक रहती है, क्लॉक क्या रहता है, शॉर्टर सिस्टम रहता है, वो बनाना है हमें सिर्फ रेडस्टोन का, इजी पीजी है। इसको निकालो बाहर, थोड़े से रेडस्टोन ले लो। अब यहाँ पर मुझे इसके पीछे में येलो ब्लॉक्स लगाता हूँ, ये दो ब्लॉक्स लगाएं। अब आपको डिग करना है, डिग डाउन, और क्या शेप बनाना है इसमें आपको, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये हो गया, देन यहाँ पर एक लगाना है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक है। और ये वाले चीज़ यहाँ से हटा दो, यहाँ ये वाले ब्लॉक्स। अब आपको लेना है आपका कंपैरेटर और लगाना है इसको इस डायरेक्शन में, यहाँ से रेडस्टोन लो, ये लगा दिया रेडस्टोन। अब रिपीटर लो, रिपीटर अंदर वाले ब्लॉक में, उस तरफ मुंह रहेगा उसका। ओके ओके, मेरे को इसको हटाना है, यहाँ पर यहाँ लगेगी टॉर्च, ये लग गई। अब या तो आप इसको पूरा कवर कर सकते हो अच्छे से, अगर आपको करना है तो यहाँ से पूरा ये लगा दो तो ये पूरा कवर हो जाएगा। मैं इसको अभी खोल के रखता हूँ, तो क्योंकि हमें इसको पूरा प्लेस करना है, ठीक है। अब बारी आती है किस चीज़ की, अब मुझे ऊपर एक क्लॉक बनानी है ताकि ये इसके नीचे कलेक्ट होते जाए। उससे पहले अब आपको इस वाले हॉपर में, जो ऊपर वाला हॉपर है, उसमें एक तो पहले यहाँ पर चार, फिर चार, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, ये हो गए, ये रखने हैं ऐसे ऑर्डर में। अब आपको यहाँ पर इस वाले ब्लॉक में आपको हनी बॉटल रखनी है, ठीक है, क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ हनी बॉटल्स चाहिए हैं। जितनी भी ये जैसे ही भराएगा यहाँ से कन्वर्ट, यहाँ से ये डिस्पेंसर से इसमें जब मैं बॉटल डालूँगा तो वो इसमें से हनी लेकर इसमें डालेगा और शॉर्ट होके हनी सीधा आ जाएगा आपके इस वाले चेस्ट में, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। अब इसके पीछे जाकर मैं एक और सर्किट बनाना है, और वो वाला सर्किट हमारा बहुत ही ईजी है, और ये है आपका कौन सा वाला, जिससे डिटेक्ट होगा कि आपका जो हनी ब्लॉक है वो फिफ्थ लेवल तक पूरा भरा हुआ है, ठीक है। उसके लिए आप यहाँ पर पहले ये लगाओ, यहाँ पर फिर एक कंपैरेटर, और ये जाएगा ऐसा यहाँ से इसकी तरफ, डिस्पेंसर की तरफ, ठीक है। ये पूरा सर्किट हो गया, ये बस इतना ही बनाना है आपको, बहुत ही ईजी सर्किट है। फिर इसके ऊपर आपको रखना है एक ब्लॉक इस वाले पर, ताकि ये डिटेक्ट करता है कि इसका जो लेवल है वो फाइव लेवल का हो गया है, और फाइव लेवल का हो गया है। अब मुझे इसमें हमारा शॉर्टर सिस्टम हो गया है, अब मुझे सिर्फ इसमें बॉटल्स डालनी है, और हमारे पास काफ़ी सारा ग्लासेस है, तो मैं इसमें बॉटल्स डाल देता हूँ,
देखते हैं कितनी बनती है। 64 बनी है एंड वी आर गोइंग टू पुट दिस बॉटल्स इन दिस डिस्पेंसर। ओके, तो इसको डिटेक्ट करने के लिए इसको भरा हुआ होना चाहिए फर्स्ट टाइम, ठीक है। या तो आपने इसको खाली रखा हुआ है, क्योंकि मैं जब इसको बना रहा था उतनी देर में 20 जितनी भी है सब इसको फिलअप कर दिया, तो शायद मेरे पास ये भरे हुए हैं या नहीं है बीहाइव्स और, ठीक है। ये बीहाइव देखता है, मैं बीहाइव को लगा के वहाँ पर देखता हूँ अगर ये पूरा फिलअप है कि नहीं। हाँ, ये पूरा भरा हुआ है, तो मैं इसको कलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब ये फुल नहीं है तो ये सिग्नल नहीं जाएगा इसका, ठीक है। मैं इसको तोड़ो, अब जो सिग्नल है वो स्टॉप हो गया है, और जैसे मैं ये वाला बीहाइव लगाऊंगा तो यहाँ पर जो है वो आ जाएगा। पर एक और चीज़ आपको ये करनी है कि इसमें आप एक डाल दो आपकी एक और हनी बॉटल, देखो ट्रांसफ़र हो रही है कि नहीं। ये देखो यहाँ पर आ गई, अब एक यहाँ पर स्टॉप हो गई है, एक यहाँ पर है। अब इसके बाद जितनी भी बॉटल्स आएगी वो सारी चेस्ट में आएगी, ठीक है। अब आपको ये ले जा के यहाँ पर लगाना है, जैसे ही लगाओगे वैसे ही वो कलेक्ट कर लेगा हनी और बॉटल आ जाएगी सीधे आपके इसमें। एक बॉटल इसमें परमानेंटली है, इसमें भी इसको आपको नहीं निकालना है, ठीक है। इनको रख के रखना है, आपको सिर्फ जो इसमें कलेक्ट होती है वही डालना है। तो ये हमारा हो गया है। अब इसकी जगह मैं जब ये जो नेस्ट है ये जब फुल हो जाएगा तो मैं इसको भी लगा दूंगा यहाँ पर, इसको निकाल कर मैं ये अपना नेस्ट लगाने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कम्प्लीट। अब इसको जो है हम इसको मैं इसको बंद कर देता हूँ, पूरा इनक्लोज कर देते हैं यहाँ से ताकि ये अच्छा दिखे। रेडी, गुड, नाइस। तो ये अब कलेक्ट कर करके देगा, ऑटोमेटिक है ये, बहुत ही इजी है इसका डिज़ाइन। ये हेल्पिंग ब्लॉक है तो इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। इतना छोटा सा है, मैंने इसलिए इसको याले ब्लॉक्स यूज़ करें ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। बहुत ही छोटा सा डिज़ाइन है। अब इसको अगर आपको मल्टीपल लगाना है तो मल्टीपल लगा सकते हो, पर मैं अपनी शॉप में अभी एक ही बना रहा हूँ। अब क्या करना है मुझे, अब मेरे पास देखता हूँ मेरे पास ब्लैक स्टोन है क्या, ब्लैक स्टोन शायद ही होगा मेरे पास। फेंसेस है, फेंसेस भी कम है, चलो हम फेंसेस बना लेंगे। तो या तो मैं वॉल बनाऊँ, पर मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट रहेगा कि मैं ब्लैक वॉल लगाऊँ। ब्लैक वॉल अभी ब्लैक वॉल नहीं है तो वो ज़्यादा अच्छी लगेगी इस पर, ठीक है। ओके, तो मैं ब्लैक वॉल लेकर आता हूँ फटाफट से। ओके, तो मैं ब्लैक स्टोन लेकर आ गया हूँ और थोड़े से बी हाइव्स भी लेकर आ गया हूँ। ओके, तो अब कैसे लगाना है मुझे, यहाँ पर मैं कोने कोने पर जहाँ पर भी अच्छा लगेगा वहाँ पर हम बी हाइव्स पुट कर देंगे, जिस भी डायरेक्शन में आपको लगानी है। ये बी नेस्ट भी मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, ये लग गया। देन उसके बाद यहाँ पर भी पूरी स्पेस है, पहले स्कैफोल्डिंग्स को मैं लगे रहने देता हूँ क्योंकि हमें सीलिंग लगानी है। वो देखो मधुमक्खी घूम रही ऊपर, एक इसको नीचे लेकर आना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर कोने कोने पे हम वॉल के, मैं वॉल इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ब्लैक स्टोन नया ब्लॉक है और इसे हम यूज़ करने वाले हैं अब हमारी ज़्यादातर बिल्ड्स में। ओके, और ये लगेगा इधर, मैं फिर ब्लैक वॉल्स लगा देता हूँ, ये लगा दिया, देन वो भी चलता रहेगा और ये भी चलता रहेगा, हमारा फार्म भी चलता रहेगा। इसमें भी 20 रहती रहेंगी, देखो कितनी सारी है, 6 20 हैं। हाँ, 6 एक ऊपर उठ रही, वो भी नीचे आ जाएगी जल्दी। एक लगाते हैं हम यहीं पर सेंटर में, यहाँ पे लगाओ, ठीक है, ये लग गया। देन एक होगा, उनको कैसा लग रहा है, ठीक है, एक लगाता हूँ मैं यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, जस्ट लाइक दैट, डोर के सामने जस्ट। ऑलराइडी, तो ये हो गया है। अब क्या करना है, ये मधुमक्खियाँ बाहर क्यों जा रहे, बाहर नहीं जाने का रे, बाहर नहीं जाने का। चलो ये हो गया, अब मैं जो है ये हटाने वाला हूँ जितने भी यहाँ पर हैं, इनको कलेक्ट करो वापस क्योंकि इनकी इनका काम हो गया है। ये फर्नेस को भी ले लेता हूँ, इसमें हैं ब्लॉक्स, इसमें बहुत सारे ब्लॉक्स पड़े हुए हैं। चलो इसको मैं बाद में कलेक्ट करूँगा, इसको भी बाद में ट्रांसफ़र करेंगे। इसमें हॉपर, ये हॉपर से ट्रांसफ़र हो रहा है इसमें, ठीक है, ये हॉपर भी ले लो, इसको मैं रहने देता हूँ यहाँ पर, मैं इसको बाद में लेके जाऊँगा ट्रांसफ़र करने के वक्त। ओके, तो ये दोनों चेस्ट मेरे यहाँ पर है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें एक और हॉपर आगे ऐड करके इसको पूरा नीचे तक ले जा सकते हो ताकि आपका जो वो बकेट है वो पूरा भर आ जाए, ठीक है। अब मैं फ्लावर्स लाया था अलग अलग, वो मैं थोड़े से ट्रांसफ़र कर देता हूँ इसमें ताकि हमारा जो फार्म है वो थोड़ा सा और रंग बिरंगा लगे। मेरे पास बोन ब्लॉक है कि नहीं, मैं बोन्स भी लेकर आया था, इतनी नहीं है पर ठीक है, इनको यहाँ पर रखो। एक और बी हाई बचा हुआ है, इसे भी लगाना है मुझे।
ओके, तो इसे हम लगाते हैं इस तरफ, हो गया है। ठीक है, कहाँ लगा सकते हैं, एक यहाँ लगा देता हूँ मैं, जस्ट लाइक दैट। थैंक यू, गुड, ओके, दैट्स गुड, एवरीथिंग इज लुकिंग गुड। अब मुझे फ्लावर्स लगाने हैं हर एक के पास, और मुझे इनको ब्रीड कराना है। यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही रेड पॉपी हो गए हैं, तो इनको हटाओ, थोड़े से येलो भी लगाओ ताकि थोड़ा वेरिएशन दिखे फ्लावर्स में। यहाँ पर मेरे पास लिलीज भी है, वाइट लिलीज, और अब इनको मैं ब्रीड करा देता हूँ पॉपी से। ठीक है, कहाँ गई, और ये क्या, नाइस, अभी ब्रीड करेंगी और हमारा जो फार्म है वो चालू हो जाएगा। इसके अलावा मुझे ये जो गेट है, यहाँ पर मुझे इस गेट को बंद करना है, तो अभी मैं इस पर क्या लगाएं, हम इसमें क्या लगा सकते हैं, हाँ, हनीकॉम ब्लॉक्स लगा सकते हैं ना, हनीकॉम ब्लॉक सबसे बेस्ट रहेगा इसको। और हाँ, मुझे विंडोज़ बनानी है जो कि यहाँ पर रहेगी, मैं पूरा सीलिंग भी कंप्लीट कर लूँगा तब तक। और इसमें कुछ बच रहा है अभी, जो डर्ट ब्लॉक्स है जहाँ पर लगाने हैं वहाँ लगा दो, और बोन से आप यहाँ पर घास उगा के थोड़े से फ्लावर्स और जनरेट कर सकते हो, अगर आपको नहीं मिल रहे फ्लावर्स तो। ठीक है, लाइक दिस, और मैं फ्लावर बाइंस और दूसरे और फ्लावर्स लेकर आ जाऊँगा ताकि हमारा जो ये है ये और थोड़ा सा अच्छा दिखे, थोड़ा वैरायटी आए फ्लावर्स की इसमें। नाइस, बोन ब्लॉक से आप आराम से फ्लावर्स उगा सकते हो, ग्रास लगा उगा सकते हो, और आप उनको वापस से प्लेस कर सकते हो वहाँ पर। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा इसको ग्रास भी लगा देता हूँ ताकि ग्रास से भी अच्छा दिखता है, इसका लुक बहुत अच्छा आता है, ग्रास दिखती है, नहीं तो पूरा फ्लैट सरफेस दिखता है इसका। ठीक है, और इनके बीच में मैं लेकर आ जाऊँगा थोड़े से और फ्लावर्स। नाइस, ये हमारा हो गया है कंप्लीट नीचे का सेटअप। तो थोड़े से और बी हाइव्स मुझे लगाने हैं यहाँ पर, और इनके नीचे मुझे एक लाइट ब्लॉक लगाना है ताकि ये दूर से चमकते हुए दिखे। ओके, ऑलराइटी, तो हमारी शॉप जो है वो कंप्लीट हो गई है। बस अभी मुझे इसका, इस वाली शॉप पे प्राइस टैग लगाना है। प्राइस टैग अभी तक मैंने लगाया नहीं है क्योंकि अभी हमारी जो शॉप है वो पूरी कंप्लीट नहीं है, पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है इसलिए। ओके, तो ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ऊपर से पूरा बंद हो जाएगा, तब मैं प्राइस टैग लगाऊंगा। और यहाँ पर हमको डोर भी लगाना है, तो डोर भी मुझे प्लेस करना है। तो इसके अलावा और मैं क्या कर सकता हूँ, देखो इसमें दो कलेक्ट हो गई, नाइस, ऐसे मल्टीपल अगर बन जाएंगे तो बहुत सही रहेगा। हाँ, मैं येलो कॉन्क्रीट से या फिर ऑरेंज से मैं इसका डोर जो है वो बना देता हूँ। ओके, अभी के लिए तो, और इसको पूरा बंद कर देता हूँ ताकि हमारा कोई भी जो हमारी बीज है वो यहाँ से भागकर बाहर ना जाए। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, और यहाँ पर मैं लगाने वाला हूँ हमारे लिली पैड्स, जैसा कि हम ब्रिज बनाते हैं, छोटा सा ब्रिज, और इसका एंट्रेंस मुझे थोड़ा सा और सुधारना है। ठीक है, तो ये जो ऑटो फार्म है आपका, ये बहुत इजीली काम करता है, आराम से ये जब लेवल 3 पे पहुँचती है तो आराम से कन्वर्ट करके आपको बॉटल दे देता हनी की। ओके, आपने अगर वो बी वाला मेरा एपिसोड नहीं देखा है, एपिसोड नंबर शायद से 17 या 18 है, तो वो जाके देख लो। ठीक है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसा करना है। ऑलराइटी, तो इस एपिसोड में इतना ही, हम हमारे बी फार्म को नेक्स्ट एपिसोड में और थोड़ा सा और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें थोड़े बहुत डिटेल्स चाहिए, वो मुझे कंप्लीट करनी है। बाकी मैं इनको, सबसे है कि जितनी ज़्यादा बीज रहेगी उतना ज़्यादा आपका प्रोडक्शन उतना ज़्यादा रहेगा। ओके, ऑलराइटी, तो सी यू ऑल गाइस नेक्स्ट टाइम। अगर आपने अभी तक रेडिट पेज नहीं जाके फॉलो करा है तो रेडिट पेज माइनपुर सीजन, माइनपुर का हमने चालू कर दिया है, उस पर काफ़ी सारे मेंबर्स भी आ गए हैं, तो आप एक अच्छी खासी कम्युनिटी है उस पर, जिस पर आप फोटो शेयर कर सकते हो, मीम शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैट भी कर सकते हो। ऑलराइटी, तो सी यू ऑल गाइस नेक्स्ट टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।